इसराइल और हमास के बीच रफा इस वक्त का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि हमास के आतंकी थे, लेकिन दूसरी तरफ हमास का कहना है कि ये आम लोग हैं जो कि इसराइल के हमले में मारे गए हैं। और इसका जवाब लेने का ऐलान अब किसी और ने नहीं बल्कि लेबनान से हिजबुल्ला के प्रमुख नसरुल्ला ने किया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में आपको दरअसल हमास और इसराइल के बीच के उस जंग का परिदृश्य प्रस्तुत करने वाले हैं जो इस वक्त आईसीजी के वर्डिक्ट के बाद भी नहीं रुकने वाला। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि रफा में युद्ध विराम हो, लेकिन इसराइल को दरअसल इस वक्त किसी की परवाह नहीं। इसराइल तो पूरी तरह से हमास के सफाई के लिए रफा में जिस तरह का हमला कर रहा है, जिस तरह के एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, जिस तरह के ग्राउंड स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि अब नेतन्याहू होम ग्राउंड पर इतने विरोध के बाद और ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, बल्कि हमास की तबाही की पूरी कहानी सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इसलिए देखिए तो पहले अमेरिकी दबाव को धत्ता इसराइल ने दिया और रफा में हमला जारी रखा, और अब आईसीजे के भी वर्डिक्ट को साइडलाइन करते हुए रफा में हमले को जारी रखा गया है। जहां जवालिया कैंप की बात करें, जिन इलाकों में हमला हुआ है इस वक्त तो दहलते हुए, जलते हुए, आग की लपटों में सुलगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमास का कहना है कि यहां पर आम लोग थे, शरणार्थी थे जो मारे गए हैं, जबकि आईडीएफ का कहना है, इसराइल की सरकार का कहना है कि यहां पर भारी पैमाने पर हमास ने अपने आतंकी छुपा रखे थे जिनको तबाह किया गया है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों ही अल कासिम ब्रिगेड ने दावा किया था कि उसने इसराइल के सैनिकों को टनल नेटवर्क में घेर कर मारा है और कई सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है। बाद में इसका आईडीएफ ने खंडन भी किया। सच क्या है ये तो जांच का विषय है। दोनों तरफ के दावे जो कह रहे हैं वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि रफा में इस वक्त जो चल रहा है उस पर दुनिया की नजर है, उस पर नेतन्याहू की नजर है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस वक्त ईरान में राष्ट्रपति के मौत के बाद जिस तरह से दरअसल हमले इसराइल ने जारी रखे हैं वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि जो बैकअप सपोर्ट ईरान का है, जो कि हमास को मिल रहा था, वो दरअसल रईसी की मौत के बाद शायद कमजोर हुआ है, जिसका पूर्णतया फायदा उठाने के लिए इस वक्त इसराइल की सेना आमादा दिखाई दे रही है। इस वक्त जो हमले की खबर आ रही है वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि कितने बड़े रेंज में दरअसल इस हमले को अंजाम दिया गया है। इलाका है ताल अल सुल्तान, जवालिया, नसीरत और गाजा के तमाम अन्य शहर, जहां पर दरअसल जो इनपुट्स मिले थे उसके हिसाब से आईडीएफ ने हमला किया और पूरी तरह से दहला दिया। इस हमले का जवाब देने के लिए मैं बताऊं आपको कि हिजबुल्ला ने कमर कसी है। हिजबुल्ला की तरफ से उसके प्रमुख नसरुल्ला ने कहा है कि वो इसराइल पर ऐसा सरप्राइज अटैक करेगा जैसा इसराइल ने कभी सोचा न होगा। यानी ये अपने आप में एक बड़ी धमकी कही जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिजबुल्ला जो कि लेबनान की तरफ अपने कई सेंटर्स बनाकर लगातार पिछले हम देखें तो 6 से 7 महीनों के बीच इसराइल पर हमला करता रहा, यानी हमास से जंग लड़ती हुई इसराइल की सेना के लिए दोहरी चुनौती पैदा करता रहा। उसने अपने हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में देखें तो रिटेलिएट करते हुए इसराइल की सेना ने कई ऐसे हिजबुल्ला के ठिकाने पर बम बरसाए हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला के कई लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमास से ठीक विपरीत हिजबुल्ला जो है वो अपने मिसाइल ताकत से लैस है। हमास के पास उसके ताकत रॉकेट हैं, तो हिजबुल्ला के पास उसके ताकत के तौर पर मिसाइल हैं और साथ ही 80,000 से ज़्यादा लड़ाके हैं जिन्होंने सीरिया की जंग में ईरान का नेतृत्व किया और वे पूरी तरह से वॉर जोन में हम कहें तो युद्ध करने के लिए बिल्कुल कॉम्बैट रेडी हैं। और इस ताकत को झोंकने के लिए ईरान की तरफ से रईसी का दरअसल हरी झंडी मिलता उससे पहले ही रईसी की मौत हो चुकी है। अब फैसला दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को करना है कि इसराइल के खिलाफ जंग के मैदान में क्या वो लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला को भी उतार देंगे, क्योंकि नसरुल्ला की धमकी एक कहती है और दरअसल इस बात का इजहार करती है कि अब कुछ हिजबुल्ला की तरफ से भी बड़ा होने वाला है, जैसा कि नसरुल्ला ने इसराइल पर हमले की बड़ी चेतावनी डाली है। इस वक्त घटनाक्रम में डालना बेहद दिलचस्प होगा कि आईसीजी में जब ये पूरा का पूरा मामला गया तो 17 जजों में आपको बताऊं कि तकरीबन बंटवारा पूरी तरह से देखा गया। 15 जजों में 13 और 2 के बंटवारे में वोटिंग हुई। 13 जज जो हैं उन्होंने रफा पर एक तरह से देखा जाए तो तुरंत युद्ध विराम लाने का वर्डिक्ट दिया, यानी पूरी मेजोरिटी कही जा सकती है। 2 जज थे जिसमें से एक साउथ अफ्रीकन कंट्री के थे और दूसरे जो है वो इसराइल सपोर्टेड थे, उन्होंने वोट नहीं किया। लेकिन इसका कोई प्रभाव इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है इसराइल के मूवमेंट पर। इसराइल लगातार हमलावर और बेहद घातक साबित हो रहा है इस वक्त रफा में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसराइल का नेक्स्ट प्लान भी तैयार है और इस वक्त इसराइल की सेना
दोनों तरफ दरअसल टू फ्रंट वार की पूरी तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि हिजबुल्ला से मिली धमकी के बाद इजराइल की सेना अलर्ट पर है कि लेबनान की तरफ से कुछ और बड़ा हमला हो सकता है, कुछ और बड़े मिसाइल अटैक हो सकते हैं, और इसके लिए पूरी तरह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तैयार रखा गया है, उसको तैनात रखा गया है। और दूसरी तरफ अलकासिम ब्रिगेड का जो पूरा ट्रैप है उसको भी रीड करने की कोशिश कर रही है इजराइल की सेना, क्योंकि रफा में इस वक्त जो जंग चल रहा है वहां पर एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर वहां के टनल नेटवर्क और अलकासिम ब्रिगेड का जो वहां पर बॉबी ट्रैप है वो माना जा रहा है, क्योंकि ये सबसे घातक यूनिट है हम देखें तो हमास की, जिसे अलकासिम ब्रिगेड कहा जाता है। और 7 अक्टूबर को हुए हमले के पीछे अगर किसी का हाथ बताया जाता है तो वो इसी अलकासिम ब्रिगेड का बताया जा रहा है इस वक्त। और जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि दरअसल अमेरिका जो है वो अपने तौर पर इस वक्त इसराइल के हमले को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पहले रफा में हुए हमले को अमेरिका ने पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया था। टनल बस्टर बम जो कि 2000 पाउंड और 500 पाउंड के थे उसके सप्लाई को भी अमेरिका ने रोक दिया था, लेकिन इसराइल के कदम पीछे नहीं हटे, इसराइल ने अपने हमले जारी रखे। और इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसराइल को समर्थन देने से अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि उसको भी लगता है कि इब्राहिम रईसी की मौत के बाद शायद मुफीद समय है जब गाजा को पूरी तरह से पाटने में इसराइल की सेना सक्षम होगी। और जो बंधक अभी भी बचे हुए हैं हमास के पास, जो कि तकरीबन 133 बताए जा रहे हैं, उनको लेकर चूंकि कोई डील नहीं हो रही है, कोई युद्ध विराम की स्थिति पैदा नहीं हो रही है, लिहाजा इसराइल जो कर रहा है उसे करने दिया जाए। तो ये मौजूदा स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं कि गजा में दिखाई दे रही है। रफा में खास तौर पे इस वक्त जो है जंग का मैदान कुछ इस तरह से बना हुआ है, जहां पर इसराइल के लगातार अटैक जो हैं उसके साउंड सुनाई दे रहे हैं, उसके विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से पिछले 7 महीने से जारी जंग में जो पूरी की पूरी 10 से 12 लाख की संख्या थी लोगों की जो सुरक्षित अपने आप को रफा में रखे हुए थे, ये उनके लिए भी दरअसल मौत का दवानल बन चुका है, जहां पर इसराइल के हमले से अब उनको अपनी जिंदगी बचानी भारी पड़ रही है। दूसरी तरफ आप देखिए तो इजिप्ट बॉर्डर जो है वहां पे भारी संख्या में दरअसल रसद और खासतौर पे दवाएं और मेडिकल सपोर्ट सिस्टम जो है वो तैयार खड़ा है, लेकिन उसकी भी एंट्री में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हमले के दौरान हम देखें तो दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या यूएन है वो अपने एड को नहीं पहुंचा पा रही। हमने पिछले दिनों ही देखा था कि किस तरह से जो यूएन के सपोर्ट सिस्टम है उस पर हुए हमले के दौरान जो है एक भारतीय सैनिक की भी मौत हुई थी, और अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह का इस वक्त पूरा का पूरा भयावह मंजर इस वक्त जो है रफा में बना हुआ है। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में इसराइल की सेना और हमास के बीच वहां पर जंग जारी है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये वॉर नेतन्याहू इस वक्त जिस तरह से रफा में हमले हो रहे हैं समेट पाएंगे, क्योंकि होम ग्राउंड पर देखें तो नेतन्याहू के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है, और ख़ासतौर पर आप देखें तो लोगों का गुस्सा जो है वो इसराइल की सड़कों पर फूट रहा है। लिहाजा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर जल्द से जल्द इसराइल की सेना इस जंग को हमास के खिलाफ नहीं समेटती है तो ये जंग नेतन्याहू पर भी भारी पड़ सकता है, जिस तरह का जनाक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, अभी तक 130 से ज़्यादा बंधक जो हैं वो इसराइली हमास के पास हैं, जिसे निकाल पाने में इसराइल की सेना को सफलता नहीं मिली है। और बीच में आई खबरों में देखा था हमने कि कई लोगों की उसमें मौत हो चुकी थी, जिसके विजुअल्स और फोटोग्राफ सामने आए थे। तो अपने आप में एक चुनौती का समय है, ये ऐसा समय है जब इसराइल की सेना को नेतन्याहू के कहे मुताबिक बेहद कम समय में हमास को समेटना होगा, रफा में जंग जीतनी होगी। लेकिन रफा में भी हम देखें तो हमास अभी भी किस तरह से अपने ताकत को सजोए बैठा है, उसी हमास ने पिछले दिनों ही तकरीबन 4 से 5 महीने के अंतराल के बाद सबसे बड़ा हमला बोला इसराइल के ऊपर, और करीब करीब 8 रॉकेट उसके तेल अवीव पर आकर गिरे, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका। तो अपने आप समझ सकते हैं कि अभी भी रॉकेट हमास के खत्म नहीं हुए हैं, वो इसराइल पर हमले जारी रखे हुए हैं, और जाहिर तौर पर रफा की लड़ाई यह तय करेगी कि हमास जिंदा बचेगा या पूरी तरह से लड़ाई इसराइल जीत पाएगा। फिलहाल इसराइल और हमास के बीच जारी जंग से इतनी ही खबर, आगे और बढ़ते डेवलपमेंट के साथ आपको हम रूबरू करेंगे और ज़्यादा जानकारियाँ आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।